केरल में बुर्का पहनकर घूमते पकड़ा गया मंदिर का पुजारी, तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल। दरअसल केरल के कोझिकोड यहाँ के पास कोयलेंडी में संदिग्ध रूप से घूम रहे एक मंदिर के पुजारी को बुर्का पहने लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने रविवार को अपने बयान में कहा कि जिष्णु नंबूथरी जो कि 28 साल के हैं, उनको ऑटो चालकों ने 7 अक्टूबर को कोयलेंडी जंक्शन पर पकड़ा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसे बुर्के में घूमते हुए पाया और उसे पुलिस को सौंप दिया। हालांकि उसके खिलाफ कोई अपराध करने की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए उसके रिश्तेदारों के पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने उसे जाने दिया। यहां मेपुर के पास एक मंदिर में पुजारी के रूप में काम करने वाले इस व्यक्ति ने पुलिस को कहा कि उसने बुर्का पहना हुआ था क्योंकि उसे चिकन पॉक्स था। वहीं पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में उन्हें चिकन पॉक्स का कोई निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उसका नाम पता और अन्य विवरण सत्यापित किया और उसे छोड़ दिया गया है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ गई है। लोग इस तरह मंदिर के पुजारी के बुर्का पहनकर घूमने पर तरह तरह के रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। इस पर पत्रकार आलिशान जाफरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो अपनी एकजुटता दिखा रहा था। तो वही अम्मार नाम के यूजर लिखते हैं, एकजुटता दिखानी थी तो जेंडर चेंज क्यों किया, टोपी कुर्ता तो मौजूद था। तो वही इस पर हर्ष नाम के यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा, ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का ना पहने ताकि वो इसे पहन सके। तो अखिलेश नाम के यूजर लिखते हैं, बिरयानी खाने आया होगा। तो वही अनिल त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, छेड़छाड़ का मामला है शायद, या तो दूसरे के धर्म के साथ या प्रियतमा को मिलने के लिए अपने ही हमसफर के साथ। तो संजय नाम के एक यूजर ने लिखा, ये कुछ बिगाड़ने की तैयारी में था शायद, पकड़ा गया। तो वही एक यूजर ने लिखा, OMG दिस इज पर्दा जिहाद। तो वही एक यूजर लिखते हैं, बताइए तो पुजारी जी भी बुर्का पहन लिए हैं, क्या दिन देखने को मिल रहा है इस नए भारत को। तो एक यूजर ने लिखा, हिजाब से दिक्कत और बुर्के का फुल यूज। ऐसे कितनी ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस घटना पर अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।